अज फड़ लिया मैं तेरा हथ नी हुण कदे नी छड़ना आई प्रोमिस मैं पूरा करूंगा तेरा हर एक सपना जो तू कहेंगी मैं बोल पुगाऊंगा जे तू रुसेंगी मैं गा के मनाऊंगा जो तू कहेंगी मैं बोल पुगाऊंगा जे तू रुसेंगी मैं गा के मनाऊंगा नी तू शक ना करी मेरी गल ते मैं कल ही करा लू मंगना। हाय एवरीवन, दिस इज मेघा एंड वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वेडिंग एनिवर्सरी के लिए एक न्यू वीडियो प्रोजेक्ट, जिसे कि आप किसी के भी पिक्चर से वेडिंग एनिवर्सरी विशेस के लिए ऐसे वीडियो क्रिएट कर सकते हो। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही आप लोग बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों से वीडियो क्रिएट नहीं हो पा रही है तो मैं आप लोगों को बनाकर दे सकती हूँ। इसके लिए आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में सारी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अभी इस वीडियो को हम लोग काइन मास्टर पे क्रिएट करेंगे, तो चलिए हम लोग एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। मैं काइन मास्टर एप्लीकेशन ओपन कर लेती हूँ। ये ओपन हो गया है। इसके बाद आपको इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर हम लोग वीडियो के रेशियो को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ से मीडिया पे क्लिक करके आपको वीडियो में जो भी पिक्चर्स को ऐड करनी है उसको आप लोग ऐड कर लेना। तो यहाँ पे मैं पिक्चर्स को ऐड कर लेती हूँ। यहाँ पे टोटल हम लोग 8 पिक्चर्स को ऐड कर लेंगे। इसके बाद इन सब में हम लोग पोजीशन को ऐड कर लेंगे, तो इस क्रॉप वाले आइकन पे क्लिक करना है एंड यहाँ स्टार्ट पोजिशन को रख लेंगे एंड दोनों पोजिशन को इक्वल रखना है। स्टार्ट एंड एंड पोजिशन दोनों को इक्वल रखना है, तो इक्वल कर लेते हैं। तो सब में पोजीशन को ऐड कर लेंगे एंड इक्वल रख लेंगे। अब इन सब में हम लोग ट्रांजिशन इफेक्ट को ऐड कर लेंगे। तो आपको यहाँ से गेट मोड पे आ जानी है एंड यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है हर्ट वाली ट्रांजिशन इफेक्ट को, तो इसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। इसको हम लोग इसमें ऐड कर लेते हैं एंड यहाँ पे आपको 3 नंबर वाले इफेक्ट, सब में अलग अलग इफेक्ट को ऐड कर लेंगे। जो आपको अच्छा लगे वो आप लोग ऐड कर सकते हो। एंड इसको 34 सेकंड्स रख लेते हैं। ओके, इसके बाद इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेंगे। एक्सपोर्ट होने के बाद आपको बैक आ जानी है एंड इसके बाद इन सारे पिक्चर्स की विगनेट को ऑन कर लेंगे। एंड इन सब में ट्रांजिशन इफेक्ट को चेंज कर लेंगे, तो आपको प्रेजेंटेशन ट्रांजिशन इफेक्ट में आ जानी है एंड इसमें स्लाइड वाली इफेक्ट को ऐड कर लेंगे। तो सब में चेंज कर लेते हैं ट्रांजिशन इफेक्ट को। ओके, अब इसमें हम लोग ब्लर वाली इफेक्ट को ऐड करेंगे, तो इफेक्ट्स में आ जानी है एंड इसमें ब्लर इफेक्ट को ले लेंगे। इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं एंड सेटिंग्स में आके इसको 4 रख लेंगे एंड इसको भी एंड तक रख लेते हैं। ओके, इसके बाद यहाँ पे जो मैंने वीडियो प्रोजेक्ट को बनाया है इसको मैं इसमें ऐड कर लेती हूँ। इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग इसको वहाँ से डाउनलोड कर लेना एंड इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं एंड इसको ब्लेंड कर लेंगे, तो इसको स्क्रीन करना है। ओके, इसके बाद हमने जो वीडियो को अभी एक्सपोर्ट किया उसको हम लोग इसमें ऐड कर लेंगे एंड इस टेम्पलेट वीडियो को ब्रिंग टू फ्रंट कर लेते हैं एंड इस वीडियो को इस फ्रेम में रख लेंगे। मैंने रॉन्ग वीडियो को ऐड कर लिया। ओके, एंड टेम्पलेट वीडियो को ब्रिंग टू फ्रंट एंड इस वीडियो को इस फ्रेम में रख लेंगे। ओके, अब यहाँ पे हम लोग हार्ट में एक पिक्चर को ऐड कर लेंगे। एंड इसको हार्ट वाली शेप में क्रॉप कर लेते हैं।
ओके एंड फिर से टेम्पलेट वीडियो को ब्रिंग टू फ्रंट एंड इस पिक्चर को इस हार्ट वाली फ्रेम में रख लेंगे। एंड इसको नीचे से क्रॉप कर लेते हैं। एंड इसको एंड तक रख लेंगे। अब इसमें नेम वाले टेक्स्ट को ऐड कर लेते हैं, तो टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आएंगे एंड यहाँ नेम को लिख लेते हैं। एंड इसमें फोन स्टाइल को रख लेंगे। ओके एंड इसको यहाँ पे रख लेते हैं एंड इसकी शैडो को ऑफ कर लेंगे एंड इसको भी एंड तक रख लेते हैं। तो गाइज आप लोग देख सकते हो ये वीडियो क्रिएट हो गई है एंड सॉन्ग इसमें ऑलरेडी ऐड है। और अगर आप लोग सॉन्ग चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से आप लोग टेम्पलेट वीडियो के साउंड को ऑफ कर लीजिएगा एंड इसके बाद ऑडियो में आके आप अपनी फाइल से कोई भी सॉन्ग इसमें ऐड कर सकते हो। इसके बाद आपको इस शेयर वाले आइकन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आप वीडियो के साइज को सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद आप इसको एक्सपोर्ट कर लोगे तो ये आपकी फाइल में सेव हो जाएगी। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और प्लीज़ यार आप लोग जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कर लो और साथ ही आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि मेरी न्यू अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच जाए। और फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक मेरी अदर्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। उन सबके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ये सारे झोलम झाल से दूर हूँ मैं, इसलिए तो मशहूर हूँ मैं, खाना सही समय पे नहीं खा पाता, मजबूर हूँ मैं।